पहुंचे माता चिंतपूर्णी बस स्टैंड। ये मेरी बस्ती जो आए ना यहाँ पे स्पेशल आए हैं कि किस डेट से शुरू हो रहे माता रानी के मेले। मेलों में जो लाइन है ना यहीं से शुरू हो जाती है और यहाँ से माता रानी के मंदिर तक लाइन ही लाइन होती है, लेकिन आज देखते हैं हमें लाइन कहाँ से मिलती है। यहीं से लाइन शुरू हो जाती है, लाइन तो कई बार वो लास्ट पीछे तक भी चली जाती पीछे तक। यहाँ पे अंदर भी देखिए भंडारा चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि भंडारे नहीं चलते, लेकिन भंडारे आपको मिल जाएंगे। जय माता दी। तो भाई लाइन देखिए यहाँ से लगी थी आज, एक लाइन यहाँ से चल पड़ी है, एक लाइन यहाँ से चल पड़ी है। तो हम भी लगे थे पहले लाइन में, क्योंकि फिर वो आगे से पीछे भेजे तो वो सही नहीं होते, यहीं से भेजे थे लाइन में। आराम से चलते फिर आए तो माता के दर्शन करेंगे आराम से। जय माता दी। रास्ते हो गए देखिए आप, एक जा रहा है ये भी मंदिर की तरफ ही जाता है, लोगों को भूल लगती है पता नहीं इसमें जगह मंदिर या इसमें, लेकिन दोनों ही आगे जाके मंदिर को मिल जाते हैं। कुछ को जा रहा रास्ता ये भी जा रहा है। बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमने लिया पानी की बोतल दवाई कोशिश भी इसकी, लेकिन थोड़ा सही लग रहा है यार। लाइन में लगे मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में दर्शन हो जाएंगे अगर लाइन चलती रही तो। भीड़ बहुत ज़्यादा है। पहले ना ये वाला जो एरिया है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन था पूरा का पूरा, यहाँ पे लोग बैठते रेस्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ इन्होंने बढ़ा दिया है शराब वगैरह या कुछ ऐसे। और भाई ये अच्छा ये ऊपर तक लगे ना पंडाल जैसे शमियाने जैसे, ताकि गर्मी ना लगे। ये मंदिर का रास्ता है, 2 नंबर एंट्री गेट में भी आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। बाकी यात्रा चल रही है, देखो आप मेरे काम की वजह से मेरे को संडे का दिन मिलता है कहीं बाहर के ब्लॉग बनाने का, लेकिन अगर आप आते हो ना संडे का दिन छोड़ के आइए तो शायद आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपके मतलब 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। भाई ये जो लाइन है 1 नंबर गेट से आई है, ये वाली लाइन जो हमारी वाली है 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट जहाँ से हम वापस जाएंगे वो होता है, तो इसलिए 1, 2 और 3 नंबर है। व्यवस्था बनाने की बहुत कोशिश करते हैं हमारे यहाँ के जवान, लेकिन फिर भी ना लोग लाइन क्रॉस कर लेते हैं यार, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे ये लेडीज़ ना छोटे बच्चों को सबको कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ अच्छी है, कोल्ड ड्रिंक बांट रही सबको। जय माता दी। और फाइनली पूरे 3 घंटे में ना हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार। मैंने आइडल करा 3.5-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन 3 घंटे में आ गए भाई। जय माता दी। प्यारे प्यारे वस्त्र माता रानी के, बाकी सामने दरबार है। माँ का दरबार बहुत ही सुंदर सजाया है, देखिए आप।
लगा कि मेले में खड़े मेले वाली फीलिंग आ गई है पूरी, इतनी ज़्यादा भीड़ है मेलों में भी सेम होते हैं ऐसी भीड़ होती है। जय माता दी। मेरे दर्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुए, एकदम बढ़िया से दर्शन, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा मन को। बस आई होप कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा हमारी ये यात्रा का ब्लॉग देख के, माता रानी के दर्शन करके। तो जय माता दी। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी भाई घर वापस जाना है फटाफट निकलते, बहुत टाइम हो गया क्योंकि कल सुबह मैंने फिर से अपने ऑफिस काम पर जाना है। जय माता दी। आज हमें ना टोटल 4 घंटे लग गए दर्शन करने में, संडे का दिन था बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जय माता दी। बाकी चलो ठीक है, दर्शन वर्शन हो गए अच्छे से, अभी निकलते भाई घर के लिए क्योंकि बस वगैरह पकड़नी है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते घर जाने में। और अभी हमने पकड़नी है अपने घर के लिए बस, फिर निकल जाएंगे घर को। और ये चश्मे आप देख रहे हो ना, ये मैं लेके आया था, मैंने लगाए नहीं वहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या माता रानी के मंदिर पर जा रहे हैं, अभी वापसी से हमें लगा लेते क्योंकि पूजा मंडल बोला था लगा लेना है, गर्मी गुर्मी से आंखें खराब हो जाएंगी आपकी। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और बहुत ही बढ़िया यात्रा हुई माता रानी की कृपा से। बाकी माता रानी के जो मेन अभी सावन मास के जो मैंने बोला कि जैसे नवरात्रे शुरू होने, वो होने हैं जी 5 अगस्त से, और वो चलेंगे 14 तारीख तक, 13 तारीख की अष्टमी है। और आप सभी जने आइए माता रानी के दर्शन कीजिए, मैंने इसीलिए एडवांस जाके वहाँ पे प्रॉपर, ये देखिए आप यहाँ पे मैंने स्क्रीन भी लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट जो मैंने वहाँ पे उनके कैलेंडर से खींचा था ये आप देख सकते हो, तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए कि याद रखने के लिए। तो माता रानी के जो पावन नवरात्रे हैं वो 5 अगस्त से शुरू होंगे, 13 तारीख को अष्टमी है, और पिछली बार भी अष्टमी वाले दिन मेरे को पता नहीं लगा था, लेकिन इस बार मेरे को है कि मैं रात को वहाँ पे रुकूं, माता रानी के दर्शन आपको भी कराएं। तो जय माता दी। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं इस तरह ही आगे आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच, जय माता दी।